गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। डेट इज इसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस कहानी को पढ़ना है आपको और गतिविधियों को पूरा करना है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे, यानी बादशाह अकबर थे, बीरबल कौन था, उनका मंत्री था, मंत्री की उसकी जो बुद्धि है, क्योंकि सब बोलते थे उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, यानी वो बहुत ज़्यादा चलाक है, उसकी परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खड़े उतरते थे, यानी हमेशा एकदम सही जवाब। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सोची, यानी सोचा कि चलो बीरबल की परीक्षा लेता हूँ। तो बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो बीरबल कहता है, बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तो तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो यानी उसके पास इतनी बड़ी लकड़ी थी, समझ लीजिए, मैंने बताती हूँ, इतनी बड़ी लकड़ी थी। फिर एक दूर से जो बीरबल है वो इतनी बड़ी लकड़ी उठा लेते हैं और वह बार बार बादशाह को पकड़ाते हैं कि ये वाली बड़ी है, ये वाली, तो वो ऑफकोर्स छोटी पड़ गई, तो बिना काटे उसने छोटी कर दी ना इसे। तो यही हमारी कहानी का मोरल है। अब इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्य को सस्वर में सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपने पसंद की कहानी भी सुना सकते हैं। अब हमारी पसंद की आपको एक कहानी सुनानी है, तो आप कोई भी लिख देंगे। जैसे लाइक मैंने यहाँ लिखी है, एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। व्यापारी को इस बात पर पूरा विश्वास था कि चोर नौकरों में से कोई एक था और फिर वह मदद के लिए बीरबल के पास गया। ये सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने किया, परंतु किसी ने भी ये मानने से मना कर दिया कि उसने चोरी की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी ले आए और सभी चुने गए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। और छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कही, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। तो ये कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को अकेला ना छोड़ा जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों को छड़ी से को ध्यान से देखा, तो पता चला कि उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। ये देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर, यानी क्योंकि उसने जो 1 इंच छोटी थी तो उसने 2 इंच अपनी जो लकड़ी थी उसे काट लिया, यानी वो बचना चाहता था कि मेरी बड़ी हो गई तो उसने 2 इंच काट ली, तो उस और बाकी किसी ने नहीं काटी, तो उसको पता चल गया ये छोटी हो गई, तो यही चोर है। तो यही पता चल गया, यानी उसने काटा, इसलिए हम ये कहानी सुना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की जो अभी आपने ऊपर पढ़ा उसकी सूची बनानी है। अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनका अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करना है। तो कुछ शब्द जैसे बुद्धि, इसका मतलब होता है समझ, शाही यानी राजघराने का हो, बादशाह यानी राजा, सूझी यानी समझना, चतुराई यानी चलाकी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो जैसे हम बोलेंगे तो आप अपना मित्र के साथ बोल सकते हैं, जैसे बीरबल, महाराज आपकी जय हो। अकबर कहते हैं, बीरबल तुम बहुत समझदार हो। अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। बीरबल कहते हैं, सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। तो ये हम थोड़ी सी कंजर्वेशन तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं, यानी मंत्री बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो हम लिखेंगे, बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत, हमने कहानियों में भी पढ़ा है, हमें पता भी है बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति हैं। बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। बीरबल सबकी मदद करते हैं। बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमान बहुत बोला जाता है। तो ये थी आपकी आज की बहुत
आसान सी वर्कशीट, ऐसी आपने बीरबल और अकबर की कोई भी स्टोरी सुनी है तो मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कौन सी सुनी है, उसकी हेडिंग भी बताएंगे तो मैं समझ जाऊँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी है। आपने पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल हमारा 100K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एक सब्सक्राइबर शायद हमारे 100K को पूरा करा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।